पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई में हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हिंसा और रक्तपात का ऐसा तांडव मचाया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2008 में आज ही के दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था। आज मुंबई हमले की बरसी है और इस मौके पर कोई उस पल को याद कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर ट्वीट किया और शहीदों को नमन किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इन मामलों में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कोटि कोटि नमन। यह राष्ट्र अपनी वीरता और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इन हमलों में आतंकियों से डट कर सामना करने वाले और सुरक्षा कर्मियों को कोटि कोटि नमन। गजानंद हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। गजानंद, मुंबई 26/11 हमले की आज 12वीं बरसी है और ऐसे में पूरा देश एक बार फिर उस हमले में जो शहीद हुए हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे जवान, उनको नमन कर रहा है और यूं कहें कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सभी, और सभी मौन रहकर उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान इस हमले में गंवा दी थी। क्या कहेंगे? नवंबर 2008 मुंबई और पूरे भारत वर्ष के लिए वो काला दिन साबित हुआ था जो कि पूरे 4 दिनों तक लगातार गोलियों की आवाजों से मुंबई को डराता रहा था। 174 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े अब भी 11 से 12 साल बाद भी स्पष्ट नहीं हुए कि असल में कितने लोगों की मौत हुई। 10 लोगों का एक ग्रुप पाकिस्तान से समुद्र के जरिए मुंबई कोलाबा पहुंचता है और पूरे मुंबई को डरा कर रख देता है। सड़कों पर खून, हर जगह आग की लपटें और धुआं। सिर्फ यही चीजें थी जो उन 4 दिनों तक मुंबई ने देखा था और उसका दर्द पूरे भारत वर्ष सहित पूरे विश्व ने महसूस किया था। शुरुआत रेलवे टर्मिनल से होती है। सीएसटी टर्मिनल में अजमल कसाब और एक सहयोगी उसके साथ जाता है, फ्री फायरिंग करते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों को भूंद कर रख देते हैं। और ऐसे ही और भी कई लोकेशन, कामा हॉस्पिटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, ताजमहल होटल, लियोपोल्ड होटल, मुंबई का चैपेट हाउस, इन सभी जगहों पर फ्री फायरिंग की जाती है। उन्हें बस इतना ही चाहिए था कि वो एक विपरीत विचारधारा को लेकर मुंबई आए थे। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो अपने गुरुओं के आदेशों का पालन करें। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम एक बहुत ही पाक धर्म है जिसका इन लोगों ने उस घटनाक्रम के जरिए नाम धूमिल किया। सिर्फ मुंबई में ही नहीं जीना जी, पूरे भारत वर्ष में, पूरे विश्व में इस्लामिक टेररिज्म को गलत नजरिए से ही देखा गया, जबकि इस्लाम और टेररिज्म का शुरुआत से ही कोई संबंध नहीं रहा। और इसी बेवकूफी के चलते सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन 4 दिनों में कई ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज थी जो कि मुंबई में कार्यरत थी। आईएएस ऑफिसर थी चितकला दत्ती जो विसल ब्लोअर थी 26/11 हमले की। उन्होंने सबसे पहले मुंबई कंट्रोल पे कॉल करके इन्फॉर्म किया था कि टेररिस्ट ने मुंबई में घुसपैठ कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, माकोर, मुंबई पुलिस, इंडियन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहाँ तक कि मुंबई की लोकल फायर ब्रिगेड भी, और न जाने कितने सोशल एक्टिविस्ट, ये सभी उनका डट कर सामना कर रहे थे। कईयों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन ये एक काबिले तारीफ वाली बात है हिना जी कि मेरी जान मुंबई और मेरे महान भारत ने इन आतंकियों के सामने, इनकी नकारात्मक और टेररिस्ट विचारधाराओं के सामने घुटने नहीं टेके, डट कर सामना किया और हर साल उनको शर्मिंदा किया कि मुंबई और भारत ऐसे असामाजिक विचारधारा की संगठनाओं से डरने वाली नहीं। और शायद यही एक कारण है कि भारत का नाम सबसे पहले आता है और हम गर्व से कह पाते हैं कि मेरा भारत महान है,
जी हिना, बिल्कुल, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया गजानंद आपका। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।